हेलो भाई लोगों, जय श्री राम, राधे राधे सभी भाइयों को। तो मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो भाई लोगों, सुबह के बज गए हैं 10:30 और आज मौसम थोड़ा बादल है और धूप भी है और बारिश भी बताई है। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट। तो मेरे साथ जा रही है ऋषभ की मम्मी। हेलो गाइस। तो देखते हैं क्या क्या करेंगे आज, तो बताऊँगा सब कुछ अपने ब्लॉग में, बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो आओ गाइस, चलते हैं। चलो। तो गाइस, बाइक के ऊपर रख दिया है सामान और अब मैं इसको करूंगा कॉल स्टार्ट। तो गाइस, ऋषभ के पापा ले आए हैं बाइक बुलेट। तो गाइस, ये दुकान है चौंतड़ा से आगे, लद्रू ही नाम पड़ता है, माता का मंदिर भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ से हमने भी टाइल्स ली थी, तो हमारे छोटे भाई टाइल्स ले रहे हैं, उन्होंने लगानी है। तो कुछ इस तरह का है, ये फ्लोर टाइल्स है आंगन वाली, ये आंगन में लगती है शायद ये वाली, और ये दीवार वाली है। खाई ग्राउंड फ्लोर नीचे लगती है, आप देख सकते हैं। और एकमात्र दुकान है ये। मैंने तो काफ़ी दुकानें घूमी हैं पहले भी, तो ये पपरोला से लेके जोगिंदर नगर में कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिसमें इतना अच्छा टाइल मिलती है। तो स्पेंजा कंपनी की मिलती है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ले रखी है टाइल और आज भाई वगैरह को दिला रहा हूँ यहाँ से, तो आगे भी यहाँ लेते रहेंगे टाइल्स। तो आओ गाइस, चलते हैं अब, और पसंद आ गई है उनको वो टाइल, वो जब लग जाएगी तो दिखाऊंगा। ये दोनों अपने भाई हैं। देख, हैं? तो कुछ इस तरह का व्यू है। ये भाई हमारे ओनर हैं यहाँ के, मंडी से हैं ये, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगी आपको टाइल्स यहाँ पे। तो भाई लोगों, ये है शूज़ की दुकान और ऋषभ को लेने हैं शूज़ वाइट कलर के। तो आओ चलते हैं। तो भाई लोगों, पहुंच गए हैं हम घर और शाम के बज गए हैं 6। तो आपने देखा कि हम कहां कहां गए। ये है ऋषभ की मम्मी और ये है ऋषभ और ये ऋषभ की दादी जी। तो आज है हमारी
मैरिज एनिवर्सरी, आज हमारी शादी को हो गए हैं 10 साल, तो कुछ छोटी सी पार्टी रखी है हम चारों ने। तो आओ गाइस, दिखाते हैं आपको क्या क्या है। तो ये लाए हैं ऋषभ के लिए गोलगप्पे, और हम तो खा के आ गए थे। और ये चटनी है शायद गोलगप्पों के साथ जो पानी होता है, और ये समोसे हैं, और ये समोसों की चटनी है, चाय है, और ये पेस्ट्री लाई है क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते केक, तो थोड़ी थोड़ी खाएंगे। और देख सकते हैं जी बोल रहे थे केक क्यों नहीं लाए, और काटना भी था ये और खिलाना भी था एक दूसरे को, तो ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता थोड़ा। तो गाइस ये हमारी छोटी सी फैमिली, आप देख सकते हैं ऋषभ कैसे देख रहा है और काफी बेसब्री से इसी इंतजार है समोसों का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब खाना, क्या ऋषभ खिला रहा है भाई चम्मच से। तो भाई लोगों, मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना नए भाई, और शेयर भी करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।